सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आपने कहा महमूद पाशा हमें धोखा दे रहे हैं, ऐसा क्या जानते हैं हुसैन पाशा उनके बारे में? आपको मजीद बीमार होना होगा, वरना आप महल जाने के लिए राजी नहीं होंगे। यहाँ कई दिलचस्प वाकयात हुए, मगर हमने अपनी दोस्ती एक बार फिर मजबूत कर ली। क्या कह रहा था? यहाँ की सूरत हाल से महल को आगाह कर दिया उसने। अब सुल्तान अब्दुल हमीद इस मामले का हल निकालेगा। कश्ती में मौजूद असलहा उस्मानी फौज की मिल्कियत है। जी हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र हो जाएं मेरे सुल्तान। अगर मेरे कहने पर अमल ना किया तो जिसने तुम्हारी सिफारिश की है वो मेरे हुक्म पर एक ही लम्हे में तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करवा देगा। सुल्तान और रियासत के साथ गद्दारी की है, दोबारा ऐसा मत करना। हम आपको मालूमात जरूर देंगे। सुल्तान अब्दुल हमीद पाया तख्त से चुराया हुआ माल लेकर फरार होने वाला है, और फरार होने वाले सुल्तान से किस बात का खौफ? आपको साई की तरह महमूद पाशा का पीछा करना है। जो आपका हुक्म सैनिया सुल्तान। बहुत खराब है आपके बेटे की हालत, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन कीजिए। कश्ती में जो असलहा था उसका क्या हुआ? अगर आप अपने इस पाशा को बरतरफ कर दें जो इखलाकी हुदूद का लिहाज नहीं करता, तो आपको असलहा मिल जाएगा। आपके तमगे उतार लिए हैं और आप जिला वतन किए जाते हैं। मुझे इन बच्चों में साहबा वाली उल्फत का अक्स नजर आता है। ऐसा क्यों लगा आपको पाशा? रसूल करीम जंग अहद में रवाना होने से पहले फौजी लश्कर का मुआयना कर रहे थे। उन्होंने नौजवानों को मुंतखब किया और कम उम्र सिपाहियों को मुस्तरद कर दिया। सुहेल और उमेर भी मुस्तरद नौजवानों में शामिल थे। वजह यह थी कि वो कम उम्र नौजवान थे। एक सहाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह, उमेर तीरंदाजी में बहुत अच्छा है, लिहाजा इसे भी साथ ले लिया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमेर को इजाजत दे दी। ये सुनकर सुहेल ने अपने बाबा से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमेर को इजाजत दे दी और मुझे मुस्तरद कर दिया, जबकि मैंने उमेर को कुश्ती में हराया था, अली की तरह। बिल्कुल। और फिर उस नौजवान के वालिद पैगंबर के पास आए और कहा, या रसूलुल्लाह, आपने उमेर को मुंतखब कर लिया जबकि मेरा बेटा उसे हरा सकता है। जब उन्होंने कहा कि मेरा बेटा उमेर को हरा सकता है, ये सुनकर पैगंबर ने उन दोनों नौजवानों को मुकाबले के लिए बुला लिया।
फिर कौन जीता पाशा? उमर ने सुहेल को शिकस्त दी, फिर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी इजाजत दे दी। अली जीत गया। माशाल्लाह, आपने अच्छी तरबियत की है अपने फर्जंद की। मैं चांद और सूरज की कसम खाता हूं, जो अल्लाह के हुक्म से तुलू और गुरूब होते हैं, खलीफा सुल्तान का रास्ता ही मेरा रास्ता है, मेरे बाजू उनके बाजू हैं, कसम खाता हूं मैं उस मिट्टी की जिसमें बीज बोते हैं, अपने उस हथियार की जिससे मैं दुश्मन पर वार करूंगा, अपने बुजुर्ग अर्तुरुल गाजी की मैं कसम खाता हूं कि हमेशा वफादार रहूंगा, मेरा सर हमेशा बुलंद रहेगा। अगर मैं अपने फर्ज से मुंह फेरूं तो मेरी तलवार से मेरा ही सर कलम हो जाए। मेरा हाथ कुरान करीम पर है, इसे हाजिर जानते हुए नमक और रोटी के हक के लिए मुझे इस कलाम इलाही की कसम, हिम वल्लाही हिम बिल्लाही हिम तिल्लाही, इस रियासत का मफाद हर शय पे मुकद्दम रखूंगा, सुल्तान की जान की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा, इंसानियत की फलाह रियासत की बका है और मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपनी इज्जत और अपने दीन की कसम खाता हूं कि मैं अपने अहद पर कायम रहूंगा। अब तुम सुल्तान मुअज्जम के सामने पेश होने के लिए तैयार हो। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चांद और सूरज की कसम खाता हूं, जो अल्लाह के हुक्म से तुलू होते हैं और गुरूब होते हैं। हुसैन पाशा ने हमारा दिया हुआ काम मुकम्मल कर दिया है और मुहाफिज रास्ते में है। हुसैन पाशा ने अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। जो आप हुक्म करें। तुम्हें लोगों के बीच में रहना होगा, अपने आदमियों को भी लोगों के दरमियान रहने का कह दो। लेकिन मैं उनके दरमियान क्या करूंगा? लोगों को यकीन दिलाओ कि सुल्तान बंदरगाह के जरिए विलहम के साथ फरार हो रहा है। जितना मैं तुर्कों को जानता हूं, वो फरार होने वाले खलीफा को जरूर सजा देंगे। इस रियासत का सिपाही होना आसान नहीं है। अपनी जिंदगी में हर किसी को नसीब नहीं होती ये नेमत। ये नेमत बड़ी आजमाइश है। तुम इस रियासत पर अपनी जान कुर्बान करोगे, अच्छों के साथ ताल्लुक रखो ताकि तुम्हें भी अच्छा समझा जाए। तुम्हारी एक अहम जिम्मेदारी है। हम एक नया निजाम तरतीब देंगे और अपनी फौज में तब्दीलियां लाएंगे। पाशा, कुछ देर सुस्ता लेते हैं। जो सिपाही तुमसे पहले रवाना हुए थे वो पाया तक पहुंचने वाले होंगे। हम करीब ही हैं, सब्र करो, पाया तख्त में आराम कर लेना। जो सिपाही तुमने देहातों से जमा किए हैं वो मारे जाएंगे। Yeah!
काम पूरा हो गया पाशा। तुम सब अपनी वर्दियां पहन लो और मेरे पीछे आओ। चलो मेरे पीछे आओ। सुल्तान मौजम, कहिए पाशा, सुन रहे हैं हम। कमालुद्दीन पाशा के मुतालिक मैंने कुछ बातें सुनी हैं। दफ्तर महसूलात के सरबरा बेशक उसके मुस्तहक थे, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि मेरे बेटे की वजह से आप मुश्किल में आ गए। आप फिक्रमंद ना हो पाशा, उसे दोनों ओहदों से माजूल करके जिला वतन किया जा चुका है। मैं एक बाप की हैसियत से नहीं बल्कि एक सिपहसालार की हैसियत से फिक्रमंद हूं। दफ्तर महसूलात के सरबरा को सबक सिखाने के लिए हमने ही कहा था। फिर आपने उसे जिला वतन क्यों किया? शाही खानदान के दामाद वासवी पाशा ने टेलीग्राम भेजा था। वो जहां गए हैं वहां दफ्तर महसूलात के सिपाही लोगों को हरासा कर रहे हैं, उन पर जुल्म किया जा रहा है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो। इसलिए हमने कमालुद्दीन पाशा को वहां भेजा है खुफिया तौर पर, ताकि वो उन लुटेरों को सबक सिखाकर वापस आए। दफ्तर महसूलात की जानिब से रद्द अमल आने पर हम ये कह सकते हैं कि हम ऐसे शख्स के जिम्मेदार नहीं जिसे पहले ही जिला वतन किया जा चुका है। आप परेशान ना हो पाशा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मौजूम, बादशाह विलहम रवाना हो चुके हैं, हम भी जा सकते हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। आपको ये कमालुद्दीन पाशा ने तोहफे में दिए थे ना? हाँ बिल्कुल, तब सिर्फ हम ही उनके मंजूर नजर थे, मगर अब हमें जिला वतन कर दिया गया है ताकि वो हमें देख भी ना सके। बाजी, हम यहाँ से वापस पाया तक कब जाएंगे? नहीं मालूम, कमालुद्दीन और नायमे को हमें शादी की दावत तो देनी चाहिए। जाइए वहीं में। बाजी, ये सब क्या हो रहा है? डरिए मत। बाजी, बाजी। रुक जाओ, बस इतना काफी है, दरवाजा तोड़ दो। कहाँ आ रहे हो तुम लोग? यहाँ हमारी शहजादी मुकीम है। हम तुम्हारी शहजादी से ही मिलने आए हैं। बाजी, बोलो कहीं आ रहे हैं? हमारे साथ आइए, आइए जल्दी, आइए जल्दी जल्दी, आइए यहाँ छुप जाइए।
अब्दुल कादिर यहां मुकीम है? जी वालिदा। एक शहजादा ऐसी जगह नहीं रह सकता। आपने अच्छा किया कि आप हमें यहां वक्त पर ले आए। बिदार खातून को मालूम हो, इससे पहले हमें अब्दुल कादिर को वापस ले जाना होगा। आप यहां क्या कर रही हैं स्नेहा सुल्तान? आपको मालूम था कि अब्दुल कादिर यहां है, लेकिन हमसे छुपाया आपने। हम उस वक्त बेखबर थे इस बात से। अब्दुल कादिर ने सबाहद्दीन से राजदारी का वादा लिया था। मैं आपको बताकर उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था मलिका। हमें कहीं जरा सी उम्मीद थी कि इस बार आप हमसे सच कहेंगी सबाहद्दीन, लेकिन आपने वो उम्मीद भी तोड़ दी। बिदार खातून, हम यहाँ अब्दुल कादिर को महल वापस जाने पर आमादा करने के लिए आए हैं। हरगिज नहीं, आप यहाँ शहजादी की तकलीफ को बढ़ाने आई हैं। मलिका, तबीब को जल्द शहजादे का मुआयना करना चाहिए। अंदर चलिए। अब्दुल कादिर बीमार है? जब उनसे मुलाकात हुई थी तब तो ठीक थे। शहजादे, हम लोग आ गए। शहजादे, कहाँ है अब्दुल कादिर? वो शायद चले गए। वो रियासती अमलाक को बेच रहे हैं और हम खामोशी से देख रहे हैं। क्या हम कुछ नहीं करेंगे? क्या सवाल नहीं करेंगे उनसे? बिल्कुल करेंगे। सुल्तान मौसम, ये मिल्लत आपसे इतनी मोहब्बत करती है और आप दुनियावी माल और दौलत के लिए भाग रहे हैं यहाँ से। इस मिल्लत की अमानत में खयानत कर रहे हैं। जर्मन अखबारात में सच लिखा है, वो जर्मनी के शहंशाह के साथ फरार होने वाला है। यहाँ कोई हुकूमत नहीं है। शर्म करो अब्दुल हमीद। शर्म करो अब्दुल हमीद। शर्म करो अब्दुल हमीद। रुकना नहीं है तुम लोगों को। सुल्तान को रोकने के लिए हिम्मत करनी होगी तुम्हें। खलीफा हमें छोड़कर जाने वाले हैं। शर्म करो अब्दुल हमीद। 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 सुल्तान मौजम,
हुसैन पाशा का तश्कील करदा दस्ता बंदरगाह पहुंचने वाला है, क्या वही दस्ता आपकी हिफाजत का जिम्मेदार होगा? नहीं पाशा। सुल्तान मौसम, क्या हम इसके लिए हुसैन पाशा के सिपाहियों का इंतजार नहीं कर सकते? हम किसी और के मुंतजर हैं पाशा। यहां इतनी भीड़ क्यों लगी है? अब्दुल हमीद हमें कौम के साथ रुखसत करना चाहता है। अब हमें यकीन हो गया कि हमने एक मजबूत इत्तेहाद की बुनियाद रख दी है। अरे सुना तुमने, सुल्तान अब्दुल हमीद फरार हो रहा है। तुमने सुल्तान अब्दुल हमीद? नहीं नहीं, हमारी होने दे। कैसा हम किसी सूरत उनको फरार नहीं होने देंगे। फरार नहीं होने देंगे। जब अब्दुल हमीद की जानिब लोग बढ़ने लगे तो गोलियां चला देना, कुछ के पांव पे गोलियां चलाना ताकि ये लोग बेकाबू हो जाएं। जरा सी मुजाहिमत करना, उसके बाद लोगों को जाने देना। जैसे आपका हुक्म पाशा। तैयार रहो। यहाँ इतने लोग क्यों हैं? ये सब आपको यहाँ अलविदा कहने आए हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद पाया तख्त में आपने हमें बहुत कुछ सिखाया। आपने हमें ये सिखाया कि आपके साथ इत्तेहाद और आपकी दोस्ती कितनी खुशकिस्मती और सआदत की बात है। एक जर्मन शहंशाह की दोस्ती हमारे लिए भी एजाज है। हमें ये जानकर बहुत सुकून मिला कि आप दूसरे हुक्मरानों की तरह जुल्म नहीं करते बल्कि मजलूमों का साथ देते हैं। आइए हम अपने सिपाहियों का तारुफ कराते हैं। सुल्तान फरार हो रहे हैं! सुल्तान फरार हो रहे हैं! सुल्तान नहीं जा सकते। सब क्या हो रहा है पाशा? हुसैन पाशा क्या चाहते हैं? अपने लोगों पर गोली कैसे चला? रुकने मत दो जवानों! लोग बहुत मुश्किल हैं,
आइए हमारे साथ आइए। हरगिज नहीं, नीचे करो बंदूकें, फौरन बंदूकें नीचे करो, नीचे करो फौरन, कोई गोली नहीं चलाएगा। हम कब भागे हैं? हमारे आबा अजदाद कब फरार हुए हैं? कहां फरार हुए थे? मुआश्ता में, निकोपोलिक में, या फिर कोसोवा? कब फरार हुए हम बताइए? क्या पुरुष जंग में भागे हम, जब समंदर में कयामत की तरह दुश्मन हम पर टूटा था? क्या परवेजा में छुपे थे हम? कैसे समझ लिया कि सुल्तान रियासत छोड़कर फरार हो रहे हैं? क्या हमने शहीद होने की ख्वाहिश में दुश्मनों को नाकों चने नहीं चबवाए? बताइए हमें, कभी हमारे आबा अजदाद ने जंग में दुश्मनों को पीट नहीं दिखाई? जान कुर्बान की, खून बहाया, लेकिन अपने परचम को गिरने नहीं दिया। आप हमें छोड़कर मत जाइए। वल्लाह कभी नहीं जाएंगे हम, हमें मौत भी यहीं पर आएगी। ये पाया तख्त है और हम सुल्तान अब्दुल हमीद हैं। हम अपनी मिल्लत को छोड़कर नहीं जाएंगे। वो करेंगे जो सही लगता है हमें। आया सोफिया पर हमारा परचम लहराता रहेगा। इन गलियों में हमारी औलादें इस्लाम की तालीमात हासिल करती रहेंगी। पाए तख्त को गद्दारों से महफूज रखने के लिए हम अकेले भी लड़ते रहेंगे। लेकिन क्या आप लोग पाए तख्त में रहने के लायक हैं? क्या आपको लगता है कि झूठ को सच मानकर इस शहर की रूह की हिफाजत करने में कामयाब हो सकते हैं? सच्चाई को पहचानना होगा, मोहतात रहना होगा। जो शख्स आपसे मुखातिब है वो जुल्म की तरफ बुलाता है ये हक की जानिब। आपसे बात करने वाला जो भी शख्स है वो नफरत और हसद को हवा दे रहा है या फिर मोहब्बत और अमन का पैगाम दे रहा है? आपका मुखातिब आपसे तामीर और तरक्की की बात करता है या फिर तबाही की? अब अगर आपने धोखा खाया तो इसका हिसाब भी आप देंगे। अगर आपने धोखा खाया तो आप ही को इसकी कीमत देनी होगी। मिल्लत के नौजवानों, गद्दारी पर उकसाने वाले और झूठ लिखने वाले सहाफियों को जो इस हंगामा आराई के जिम्मेदार हैं, गिरफ्तार करो उन्हें। हमें तो लगा था कि ये लोग हमला कर देंगे, मगर आपके कहे अल्फाज को सुनकर इस मुश्तइल हुजूम में खामोशी छा गई। आखिर ये कैसे हुआ सुल्तान मुअज्जम? क्या राज है इसके पीछे? इंसाफ। हम हकदार को उसका हक अदा करते हैं और गद्दार का सर कलम कर देते हैं। हम एक अजीम दोस्त जीत कर पाए तख्त से रुखसत हो रहे हैं।
अब्दुल कादिर कहाँ है? उन्हें बहुत तेज बुखार था, वो तो खुद से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। ये भी तो मुमकिन है कि उन्होंने महल वापस जाने का फैसला किया हो। जब तक मैं यहाँ थी वो बहुत बीमार थे, वो खुद नहीं जा सकते। अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर, ये अब्दुल कादिर का है? उन्होंने मुझे बताया था कि कुछ लोग उनका ताकुब कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या उनके साथ कुछ हुआ था? अब्दुल कादिर को जब अपने ताकुब का एहसास हुआ तो उन्होंने एक को पकड़ लिया था, लेकिन दूसरे ने गोली चला दी और फिर वो दोनों फरार हो गए। या मेरे अल्लाह। बेदार खातून, आप ठीक तो है ना? छोड़िए हमें सबाहद्दीन, आपको मालूम था कि अब्दुल कादिर के पीछे कोई है, लेकिन आपने हमें कुछ भी नहीं बताया। आखिर क्यों छुपाई आपने हमसे ये बात? अगर अब्दुल कादिर को कुछ भी हुआ तो आप सबको इसका हिसाब देना होगा। सुल्ताना, क्या हुआ? मैंने गांव वालों से बात की, कुछ देर पहले उन्होंने एक बग्घी को यहाँ से जाते हुए देखा था। हो सकता है कि शहजादे उस बग्घी में हो। कहाँ गायब हो गई वो? क्या तुम्हें कहीं नजर आ रही है वो? लगता है वो यहां नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो यहां नहीं है। मुझे बहुत अफसोस है कि शहजादी हमसे मिले बगैर यहां से चली गई। या तो वो हमारे साथ कोई खेल खेल रही हैं। छुपना और फिर बाहर आ जाना मेरा पसंदीदा खेल है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन कहां छुपा है। भाग जाइए फहीमे, भाग जाइए। बाजी, छोड़ दो हमें, जाने दो। चोर मत मचा, खामोश हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो, हमारी बहन को हाथ नहीं लगाना, जाने दो उन्हें। क्या अपनी बहन के बदले आप अपनी कुर्बानी देंगी? मैं आपकी इज्जत करता हूं शहजादी। क्या आप जैसी शहजादी को यह हरकत जेब देती है? तुम जो लेना चाहते हो ले लो और दफा हो जाओ यहां से। हमें यह चाहिए तो नहीं था, लेकिन आपकी पेशकश है तो कबूल है। बदबख्त इंसान, निकल जाओ हमारे घर से। अगर आप चाहती हैं कि हम दोबारा यहां ना आए तो अपने शोहर पाशा से कहिएगा कि यह पाया तख्त नहीं है, हम हैं सुल्तानी से इलाके के। उससे कहिएगा कि हमारे रास्ते में ना आए वरना कुचल के रख देंगे। बाजी, बाजी। आ जाओ, जल्दी बताओ व्लादिमीर। मुझे हमारा मंसूबा शानदार था, जब तक अब्दुल हमीद ने मुंह नहीं खोला था। वो लोग अब्दुल हमीद को रोंदने वाले थे, वहां सिपाही भी मौजूद थे। जैसे ही हंगामा शुरू हुआ उसी लम्हे अब्दुल हमीद की आवाज गूंजी, हर शख्स मुतवज्जे हो गया। उसके अदा किए गए अल्फाज ने सबको पुरसुकून कर दिया, उसने सबको काबू कर लिया। अब्दुल हमीद जब अपनी कौम से खामोश व्लादिमीर, मुझे आज लगा कि हम जल्दी अबदेर कामयाब हो जाएंगे। हार के इतने करीब आकर आपको ऐसा क्यों लग रहा है आखिर? एक दफा हरसल, एक दफा अब्दुल हमीद के मुकाबिल उसके लोगों को ले आए, बस बंदरगाह पर जो कुछ हुआ उससे साफ नजर आ रहा है।
आपके अखबारात के जरिए हम लोगों को उसके खिलाफ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम सहाफियों को अब मजीद इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने बंदरगाह से सहाफियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम अखबारात की ताकत से महरूम हो गए। अब अपनी खबर शाया करवाने के लिए हमें कोई सहाफी नहीं मिलेगा जनाब पारवुस। कोई भी गलत खबर लगाने के लिए राजी नहीं होगा। तुम गलत हो। आजादी सहाफत पर हमला करने वाले सुल्तान के खिलाफ हम और मजबूत हो जाएंगे। उसने अपने हाथ से वो दिया जो हम चाहते थे। झूठ के पीछे चलने वाले उम्र भर हड्डी के पीछे चलने वालों की तरह होते हैं पाशा, और फिर आखिर में उन्हें एक खुश्क हड्डी ही मिल पाती है। अखबारात में झूठ लिखते हैं और खुद को सहाफी कहते हैं। गिरफ्तार सहाफियों के लिए क्या हुक्म है मेरे सुल्तान? उन्हें अखबारात में झूठ लिखने की कीमत चुकाना होगी पाशा। हम शर फैलाने वाले अखबारात को बंद कर देंगे। सुल्तान मौज़म, क्या ये बहुत सख्त कदम नहीं होगा? वो हमारे लिए मजीद परेशानी का बायस बनेंगे। वो अखबारात में झूठ लिखते हैं और कौम को हमसे बदज़न करते हैं पाशा। बोहतान लगाते हैं हम पर वो। पाशा, वहां लोग मर सकते थे, वो भी सिर्फ उनकी उन झूठी खबरों की वजह से। मेरे सुल्तान, यूरोप के तमाम अखबारात भी हमारी मुखालिफत करेंगे। ये बहुत सख्त फैसला है। वो पहले ही कर रहे हैं पाशा। सोचिए, क्या आपको लगता है कि जंग में चलाई हुई गोली से दुश्मन जब मरता है तो क्या वो सख्त इकदाम नहीं होता? ये उन दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक है। गोली से एक शख्स मरता है, लेकिन झूठी खबरों से ये रोजाना कई लोग मारते हैं। वो उनके दिल और दिमाग आलूदा कर रहे हैं, उनकी सोच तब्दील कर रहे हैं। हमारा फैसला है कि हमारे फरार की झूठी खबरें शाया करने वाले अखबारात को एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन वहां काम करने वाले बेकसूर लोगों को पूरी तनख्वाह दी जाए, ज्यादती ना होने पाए। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। चलिए सऊद से आए अपने वफादारों से मुलाकात करते हैं पाशा। अब्दुल हमीद ने जो सहाफी गिरफ्तार किए हैं उनमें हमारे जासूस भी हैं। बरतानवी हुकूमत चाहती है कि हम उनकी रिहाई के लिए इकदाम करें कुछ। अब्दुल हमीद कोई दबाव कबूल नहीं करेगा। मैं जानता हूँ, लेकिन हुकूमत के कहने पे कार्रवाई करनी होगी मुझे। ठीक है, तुम अपना फर्ज अदा करो। अगर मैं हुकूमत की तरफ से मजबूर नहीं होता तो अब्दुल हमीद के सामने कभी नहीं जाता। उसके खिलाफ खुफिया कार्रवाई करनी होगी हमें। मैं जल्द इन परेशानियों का हल निकाल लूंगा। तुम्हें खौफजदा होने की जरूरत नहीं। तुम एक ऐसी अजीम सल्तनत के सफीर हो जो हमेशा आजादी सहाफत की मुहाफिज और पुरजोश अलमबरदार रही है। मलिका की जानिब से पूरी दुनिया में सहाफियों की आजादी का मुतालबा करो। सहाफियों को यकीन दिलाओ कि पूरा बरतानिया उनके साथ है। सहाफियों की जरूरत है हमें। वो लोग हमारे ही लोगों को सुल्तान मौजम के खिलाफ उकसा रहे हैं। या मेरे अल्लाह, आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? एक तरफ वो लोग हमारे सुल्तान पे हमलावर हैं और दूसरी तरफ उन्होंने शहजादे को अगवा कर लिया है। सब्र कीजिए बिदार खातून, हो सकता है वो अगवा ना हुए हों। मुमकिन है हमारे वहाँ पहुँचने से पहले अब्दुल कादिर को अस्पताल ले गए हों। इंशाल्लाह ये नामुमकिन है। मुहाफिज हर तरफ देख चुके हैं, अगर कुछ मिला होता तो हमें खबर मिल चुकी होती। कुछ तो जरूर हुआ है, हमें मालूम नहीं, लेकिन सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और आपको इसका हिसाब देना होगा। सुल्तान मौसम से बात करने जा रहे हैं हम। रुकिए, हम परेशानियों में घिरे हैं, मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, दिल मुस्तरिब है, वतन शोलों की जद में है। हम इस आग को बुझाने के लिए कोशा हैं और इसके लिए हम अल्लाह पर मुकम्मल ईमान रखते हैं। जितनी ज्यादा आजमाइशें आती जाएंगी
हमारी कोशिशें बढ़ती जाएंगी। हमारा जोश, हमारा जज्बा और हमारा फख्र हमारा लहराता परचम है। हमारा रास्ता वो है जो हमारे जद अर्तुरुल गाजी ने अपनाया था, जब हम रियासत की तरक्की के लिए दिन रात मसरूफ अमल थे। हमें धोखा दिया गया जब जब तारीकी में गद्दार ने हम पर वार किया। हमारा ईमान और ताजा हो गया। कौन हमारे साथ अपने ईमान की तजदीद करना चाहेगा? हमारी तरह ख्वाब देखने वाले बहादुर नौजवान कहां हैं? क्या वो नौजवान मिले पाशा? मिल गए हैं मेरे सुल्तान। आप सब हमारे खानदान के अफराद जैसे हैं, अर्तुरुल गाजी का साथ देने वाले सऊद की बहादुर नस्लों में से हैं आप। जब हमने सोचा कि कौन हैं जो नहीं बिकेंगे, वो सिपाही कौन हैं जो हमें बिल्कुल नाउमीद नहीं करना चाहेंगे, तो आप हमारे जहन में आए। खुश आमदीद। शुक्रिया सुल्तान मोहतरम। आपकी जिम्मेदारी है कि रियासत की हिफाजत करें। आपके अजदाद ने इस रियासत की बुनियाद रखी थी, अब इसकी हिफाजत भी आप करेंगे। क्या वादा करते हैं? हम वादा करते हैं सुल्तान मोहतरम। माशाल्लाह, आपका फर्ज है इस सल्तनत के मकाम और इज्जत की हिफाजत करना। इस खानदान की हुक्मरानी के हक को तस्लीम करने वाले सबसे पहले आपके अजदाद थे। अब आप वो हैं जो किसी के बहकावे में आए बगैर इताअत करेंगे। वादा करें। सुल्तान मोहसिन, हम वादा करते हैं सल्तनत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आपके आबा अजदाद ने कुस्तुनतुनिया को फतह करके एक इस्लामी शहर बनाया, फिर इसका नाम इस्तांबुल रखा और इसे पाए तख्त के किले में तब्दील कर दिया। क्या मरते दम तक पाए तख्त की हिफाजत करेंगे? वादा करें। हाय सूफिया की कसम खाते हैं, अगर वक्त पड़ा तो रियासत की खातिर कुर्बान हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके अजदाद का वाहिद मकसद कलाम इलाही की ताजीम था। उनके दिल इस्लाम के मुताबिक साफ और पाक थे। रज़ाए इलाही की खातिर मैदान जंग में दाखिल हुआ करते, इल्म के दरवाजे वाकिए और जदीद तालीम की बुनियाद डाली। ये सब इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किया। क्या आप इस्लाम की तकरीम की हिफाजत करने का वादा करते हैं? अल्लाह और उसके रसूल के नाम की हिफाजत करेंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह, तो बताइए कोसोवा के मैदान जंग में गूंजने वाली आवाज कौन सी थी? अल्लाहू अकबर। इस्तांबुल के दरो दीवार में गूंजने वाली आवाज कौन सी थी? अल्लाहू अकबर। महाज के सहरा में, फतह के मैदान में सलीबी फौजों की तलवारें तोड़ने वाले जरी जवानों ने क्या कहा था? अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। अब हम तन्हा नहीं रहे पाशा। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सुल्तान। हम अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी परवरिश में वो जज्बा शामिल है जो रियासत से वफादारी सिखाता है। हमें यह भी इल्म है कि अगर कोई हमारी रियासत को नुकसान पहुंचाएगा तो आप उस दुश्मन का वो हाल करेंगे कि तारीख याद रखेगी। रियासत के दुश्मन को हर महाज पर इबरत का निशान बनाएंगे। कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी इंशाल्लाह। मुराद अफंदी, तुम इस दस्ते के सरबरा हो, उस्मान अफंदी भी तुम्हारे साथ होगा। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। हम सहाफी रिहा करेंगे और बदले में सफारत खाने में छुपे पारवुस तक पहुंचेंगे। कमालुद्दीन अफंदी को उनके फराइज से और पाशा के मनसब से बरतरफ कर दिया है। तुम्हें बरतानवी सिफारत खाने ले जाएंगे। वहां पारवुस नामी एक शख्स छुपा हुआ है। यह तस्वीर उसी की है। इस आदमी को हमारे पास ले आओ। उसमें एक बेवा रहती है। मैंने देखा कि दरवाजा खुला, पाशा अंदर गए और दरवाजा बंद हो गया। वो वहां तकरीबन एक घंटे तक रहे।